कुछ दिनों पूर्व भंडारा की एक 35 वर्षीय महिला पर सामूहिक अत्याचार कर उसे जंगल में नग्न अवस्था में छोड़कर आरोपी फरार हो गए थे। उसका इलाज नागपुर के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। शिवसेना की 3 सदस्यीय समिति ने पीड़िता से मुलाकात की। शिवसेना विधायक डॉक्टर मनीषा कायंदे ने नागपुर गढ़चिरौली मंडल के विशेष महानिरीक्षक श्री संदीप पाटिल से मुलाकात की और ये निवेदन किया है कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा हो। 5 अगस्त को भंडारा जिले में एक घटना सामने आई जहां 3 लोगों ने महिला से मदद करने के बहाने एक असहाय महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया और उसे नग्न अवस्था में सड़क पर फेंक दिया। गोंदिया जिले की रहने वाली 35 वर्षीय महिला को भंडारा जिले के करधा जंगल में ले जाकर 3 लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। उसके बाद करधा थाने क्षेत्र में उसके बेहोश होने की घटना सामने आई। प्रताड़ना और अत्यधिक खून बहने से पीड़िता बेहोश है। फिलहाल उसका नागपुर के सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये घटना दिल्ली की निर्भया कांड जैसी ही है। घटना के बाद शिवसेना विधायक डॉक्टर मनीषा कायंदे, सुषमा अंधारे और प्रवक्ता संजना घाड़ी का एक प्रतिनिधिमंडल 7 अगस्त को नागपुर के सरकारी अस्पताल में पीड़िता का हाल जानने और जांच की प्रगति जानने के लिए गया। नागपुर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के संस्थापक डॉक्टर सुधीर गुप्ता से मरीज के चल रहे इलाज की उचित जानकारी ली। उसके बाद जांच के सिलसिले में नागपुर गढ़चिरौली मंडल के विशेष महानिरीक्षक श्री संदीप पाटिल से मुलाकात की और उनसे निवेदन किया कि उक्त पीड़िता को सरकार की मनोधाय योजना के माध्यम से तत्काल आर्थिक सहायता एवं परामर्श दिया जाए, आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए और पीड़िता को तत्काल न्याय मिलना चाहिए। भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। इस अवसर पर नागपुर युवा सेना के जिलाध्यक्ष विक्रम राठौड़, किशोर कुमेरिया, नितिन सोलंकी, जिला समन्वयक वंदना लोणकर, जिला संयोजक रामटेक सहित जिले के महत्वपूर्ण अधिकारी मौजूद थे। भंडारा गोंदिया में जो एक महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ उस पीड़िता को हम मिलने नागपुर मेडिकल हॉस्पिटल में गए थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और वहाँ पर देखा कि वो बहुत ही बुरी अवस्था में है। उसके साथ 3 या 4 लोगों ने बलात्कार किया है, तो वो वहाँ पर हम गए थे नागपुर मेडिकल कॉलेज में और वहाँ पर डॉक्टर से बात की, उसकी पूछताछ की, उसकी परिस्थिति कैसी है, उसकी सेहत कैसी है, ये सब बात हुई। उस पर एक शस्त्रक्रिया हुई है और भी 2-3 शस्त्रक्रिया करना बाकी है, तो ये भी पता चला। पुलिस के साथ बातचीत की हमने, DIG गढ़चिरौली संदीप देश पाटिल इनसे हम मिले और जो SP है मतानी उनसे भी हम मिले, तो सारी परिस्थिति की जानकारी हमने ली और उसके रिश्तेदारों के साथ भी बातचीत हमने की। एक बात तो ऐसी जो हमें बहुत आक्षेपारे लगी कि एक तो जब कोई लोक प्रतिनिधि और किसी राजकीय पार्टी के पदाधिकारी जब मिलने जाते हैं, खास करके शिवसेना के हम जब मिले गए, तो वहाँ पर हमें रोका गया। हमारे साथ जो स्टाफ है हॉस्पिटल का और खास करके पुलिस, इन्होंने बहुत ही हम उनसे न मिले इस प्रकार की कोशिश उनकी थी। और पता भी चला कि उसको सिर्फ 30,000 रुपया जो मनोधैर्य योजना में से मिला, तो ये हमने मांग पुलिस के साथ भी ऐसी रखी है कि एक तो इसको कम से कम 2 लाख फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलना चाहिए। जो आरोपी है 3 या 4 तो उनको कड़ा शासन उनके साथ होना चाहिए, सख्त से सख्त उनको कायदा और कानून में जो कोई व्यवस्था है शिक्षा की वो मिलनी चाहिए, और उसको 10 लाख रुपया मुआवजा उसको मनोधैर्य योजना के अंदर, और ये जो इस लड़की के साथ न्याय होना चाहिए और इसके लिए जो फास्ट ट्रैक कोर्ट, ये स्पेशल कोर्ट की हमने मांग की कि स्पेशल कोर्ट करके इनको सजा मिले, जल्द से जल्द सजा मिले, इस प्रकार की बात। सकाळी आम्ही अजनी येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात पीडितेला भेटायला गेलो होतो, मात्र ज्या पद्धतीने तिथल्या पोलीस कॉन्स्टेबल वनिता राऊत आणि पोलीस कर्मचाऱ्यांनी आम्हाला भेटण्यासाठी मज्जाव केला, नातेवाईकांनाही बाहेर येऊ दिलं नाही, नातेवाईकांशी आम्हाला बोलू दिलं नाही, असं का करत आहात असं विचारल्यावर वनिता राऊत नावाच्या पोलीस कर्मचारी महिलेने आम्हाला सांगितलं की आम्हाला वरून ऑर्डर्स आहेत। या वरून ऑर्डर कुणाच्या म्हणून आम्ही DIG ऑफिसला गेलो आणि आम्ही तिथे संदीप पाटीलजी यांना भेटलो, पण संदीप पाटीलजी यांना हा सगळा प्रकार आश्चर्यकारक वाटला
त्यांनी इमिडिएट सीनियर API यांना फोन करून चौकशी केली, पण त्यांनाही हा प्रकार माहिती नव्हता. त्यानंतर आम्ही भंडाऱ्याचे पोलीस अधीक्षक मतानीजी यांनाही हा सगळा प्रकार सांगितला. त्यांनाही हे सगळं धक्कादायक वाटलं की अशा तर ऑर्डर कोणीच दिलेला नाही आहेत. आता प्रश्न असा निर्माण होतो की जर पोलीसचं अशा कुठल्याही ऑर्डर नव्हत्या तर महिला पोलीस कर्मचारी वनिता राऊत ही कुणाची ऑर्डर फॉलो करत आहे? मग त्या ऑर्डर भाजप पदाधिकाऱ्यांच्या ऑर्डर्स आहेत का? मग जाणीवपूर्वक यामध्ये कुणीही बोलूच नये, प्रश्नच विचारू नये. बरं, आम्ही प्रश्न तरी काय विचारत आहोत? आमचा सरळ साधा प्रश्न आहे की भंडाऱ्याला गेली 6 दिवस पोलीस अधीक्षक हे पद रिक्त का होतं? एकीकडे 24/7 आवश्यक सेवेतलं हे खातं आहे, अशा खात्याचा जिल्ह्याचा सगळ्यात मोठं जे पद आहे हे पद 6 दिवस रिकामं राहणं हे महाराष्ट्राच्या कायदा सुव्यवस्थेला धोक्यात आणणारी गोष्ट आहे. याकडे जाणीवपूर्वक हे सगळे लोक का दुर्लक्ष करत आहेत? आणि जर आज आम्हाला या पीडितेला भेटण्यापासून परावृत्त केलं जात होतं, 1 मिनिटासाठी आम्ही असा विचार करतोय की कदाचित पेशंटला इन्फेक्शन होईल म्हणून कदाचित आम्हाला अडवलं जात असेल, तर मग काल पीडितेला भेटण्यासाठी भाजपचे 10-15 लोक अचानक कसे काय आज जाऊ शकले आणि ते कसे बोलू शकले? मुद्दा क्रमांक 3, मनोधैर्य योजनेचं नेमकं काय केलं गेलं याच्यावर आम्ही जेव्हा विचारणा केली तेव्हा DIG संदीप पाटीलजी यांनी आम्हाला सांगितलं की 30,000 मदत दिली गेली आहे, जेव्हा की FIR फाटल्यापासून ॲटलिस्ट 2 लाख रुपयाची मदत जाहीर झाली पाहिजे, परंतु तीही मदत अत्यल्प पोहोचलेली आहे. मुद्दा क्रमांक 3, अकॉर्डिंग टू CRPC 164 ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेटच्या समोर हे जबाब नोंदवले गेले पाहिजेत. ठीक आहे, पीडिता अत्यवस्थ होती म्हणून त्यांचे जबाब नोंदवले गेले नाही, परंतु जे आय विटनेस आहे ज्याला आपण नेत्रसाक्षीदार म्हणतो अशा नेत्रसाक्षीदारांचे जे जबाब आहे ते अजूनही का नोंदवले गेले नाही, हे असे अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत. या सगळ्यांवरून तपास यंत्रणेमध्ये किती गहाळपणा चालू आहे हे तर लक्षात येतंच, परंतु यातल्या अनेक प्रश्नांची उत्तरं देताना पोलीस प्रशासनातील सन्माननीय अधिकारी यांची सुद्धा काही ठिकाणी अडचण होत होती, कारण ज्या जिल्ह्याला पोलीस अधीक्षकच नाहीत त्यावर अगदी 5-7 तासांपूर्वी रुजू झालेले पोलीस अधीक्षक काय बोलतील? हाही सगळा माझी विनंती असेल माननीय मुख्यमंत्री आणि द्विसदस्यीय मंत्रिमंडळाला की कृपया तुमचं सगळं जर घुमून फिरून झालं असेल, डोंगर झाडी हॉटेल या सगळ्यांचा आस्वाद घेऊन झाला असेल, तर किमान या महाराष्ट्राच्या लेकी बहिणी सुरक्षित राहण्यासाठी तरी एक गृहमंत्री नेमा. महाराष्ट्राच्या या सगळ्या लेकी बहिणी आणि मुलाबाळांच्या सुरक्षिततेसाठी तरी एखादी महिला बालकल्याण मंत्री बघा जमलं तर. भलेही ते तुम्ही कुणालाही द्यावं त्याचा काही मुद्दा नाही, ते कुणीही वाटून घ्या, आम्हाला त्याच्याशी काही देणं घेणं नाही, पण महाराष्ट्रात कायदा सुव्यवस्थेचं राज्य असावं याचा तरी विचार करा. इतका गलिच्छ राजकारण आणि गलिच्छ सत्ताकारण असू नये की त्यामध्ये मानवी संवेदनाच सगळ्या बोथट पाडा.